ராஜாஜராஜாய பிரசய சாஹினே நமோ வயம் வைஷ்ரவணாய பரமஹே தமே காமான் காம காமாய மய்யாம் காமேஸ்வரோ வைஷ்ரவணோ ததாது குபேராய வைஷ்ரவணாய மஹாராஜாய நமஹ. ஓம் ஸ்வஸ்தி ஜோதிஷ்லோகோ விகீதோ மருத பரிவேஷ்டாரோ மருத்தஸ்யாவசனகிருஹே ஏகதந்தாய வித்மஹே அக்ரதுண்டினாய தீமஹி ஜுதன்னோ தந்தி பிரச்சோதயாத். क्या बात है, गणपति पप्पा नाच रहे होंगे ऐसे. ॐ यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याः आसन् देहनागाम् महिमानस्य जन्त यत्र पूर्वे सात्यास्सन्ति देवाः. ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिनेत நமோ வயம் வைஷ்ரவணாய பரமஹே தமே காமான் காம காமாய மய்யாம். ஓம் ஸ்வஸ்தி சாம்ராஜ்யம் போஜ்யம் ஸ்வராஜ்யம் வைராஜ்யம் பாரமேஷ்யவ்ராஜ்யம் மஹாராஜ்யமாதிபத்யமயம் சமந்த பர்யாயே ஸ்யாத். ஷ்லோகோ விகீதோ மருத பரிவேஷ்டாரோ மருத்தஸ்யாவசனகிருஹே ஆவிக்ருதஸ்ய காமப்ரேர விஷவேதே வாஸ்ஸவாஸ்ஸதைதி. ஓம் ஏகதந்தாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமஹி தன்னோ தந்தி பிரச்சோதயாத். ஓம் யஜ்ஞேன யஜ்ஞமாயஜந்த தேவாஸ்தானி தர்மாணி பிரதமான்யா ஆசன் தேகநாகாம் மஹிமானஸ்ய ஜந்த யத்ர பூர்வே சாத்யாஸ்ஸந்தி தேவாஹ. ஓம் ராஜாதிராஜாய பிரசய்ய சாஹினே நமோ வயம் வைஷ்ரவணாய பரமஹே தமே காமான் காம காமாய மய்யாம் காமேஸ்வரோ வைஷ்ரவணோ ததாது குபேராய வைஷ்ரவணாய மஹாராஜாய நமஹ. ஓம் ஸ்வஸ்தி சாம்ராஜ்யம். டீச்சர் ஜி பஹுத் பஹுத் ஸ்வாகத் ஹை ஆப்கா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சப்ஸே பஹலே கணேஷ் சதுர்த்தி ஹார்திக் சுப்காமனாயே. ஆப்கே கர் மே பப்பா ஆயே ஹை. ஆப் கித்னே குஷ் ஹை பப்பா கே ஆனே சே ஆப் ஆப் இஸ் பார் ஆர் கியா கியா ஆப்னே மன்னத் மாங்கி ஹை உன்ஸே. தேங்க்யூ சோ மச் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஆர் ஆப் சபிக்கோ கணேஷ் உத்சவ் கி இஸ் பாவன் தினோ பே பஹுத் பஹுத் சுப்காமனாயே. மே ஆப் சப்கே லியே பி பிரார்த்தனா கர்த்தி ஹூன் கணபதி பப்பா சே ஹமாரே பப்பா சே பி கி ஆப் லோக் பஹுத் சுகி ரஹே ஸ்வஸ்த் ரஹே ஆர் ஆப் சப்கி ஜிந்தகி ஜோ ஹை குஷ்ஹால் ஹோ. ஜஹான் தக் மேரி பாத் ஹை மே ஆர் மேரி பூரி ஃபேமிலி
बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज़ मुझे मुंबई शिफ्ट हुए 16 साल हो गया है और मुंबई इंडस्ट्री में मुझे 20 साल हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है ये मुंबई के इस कल्चर को। मैं वैसे भी बहुत रिलीजियस हूँ, मैंने बचपन से यही सब किया है देखा है, तो इसमें मुझे इस कल्चर में ढलने के लिए बहुत मज़ा आया। और हर साल ये पिछले 13 साल से ये 13th ईयर है हम अपने घर गणपति बप्पा को बुला रहे हैं, और इस बार ये पूरा जितनी भी आप डेकोरेशन देख रहे हैं हम लोगों ने सब ने पूरी फैमिली के लोगों ने सभी बच्चों ने मिल के इस की तैयारी की है, क्या है ताकि गणपति जी का जो सिंहासन है वो हम जितना हो सके, क्योंकि ये शहनशाह हैं तो शहनशाही रूप से उनको हमने कोशिश की है कि इसे पूरा डेकोर करें। और हम बड़ी एक्साइटमेंट होती है ये दिनों में कि तैयारियों में जुट जाते हैं, और पूरी फैमिली मेरी दिल्ली से इस उत्सव को मनाने के लिए मेरे साथ, और इस वक्त मुंबई में मेरी फैमिली के 30 लोग हैं, सो बहुत ही ऐसे घर में शादी ब्याह का सा माहौल है, रोज़ गाना बजाना चल रहा है, रोज़ सिंगर्स आते हैं, बहुत हमारे सीनियर्स भी हैं उसमें और जूनियर्स भी हैं, कलीग्स भी हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही माहौल है, ट्रांस में होते हैं हम लोग इन दिनों। इस बार अपने मन्नत क्या मांगी पापा से? मैं कभी भी कोई भी बार मन्नत नहीं मांगती हूँ, मैं बस इतना ही कहती हूँ कि मैं बहुत खुश रहूं, मेरे से रिलेटेड सब लोग बहुत खुश रहें। एक सेकंड जरा फ़ोन पीछे फ़ोन पर है। मन्नत तो मैं कभी भी नहीं मांगती हूं, क्योंकि उनसे क्या मांगे जिनको सब कुछ पता होता है अपने बच्चों के बारे में, अपने भक्तों के बारे में। बट ये ज़रूर मन्नत नहीं, ये इच्छा रहती है बप्पा से या जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके, ये क्या हो रहा है एक मिनट समझाओ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाई देन आई डोंट, लोग होते हैं घर में तो कैसा हाल होता है, ऐसा होता है। मन्नत मैंने कभी नहीं मांगी, और वो इसलिए नहीं मांगी कि उनको तो सब पता है, वो जगत जहान को जानते हैं, सबको पता है कि क्या चाहिए, तो खुद ही देते थे और बहुत दिया है, सो वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू हमारे गॉड। और बस इतनी इच्छा रहती है कि हमसे जुड़े हुए लोग या नहीं भी जुड़े हुए लोग इस देश में इस दुनिया में खुशहाली बनी रहे। आई नो ये बड़ा साउंड करेगा थोड़ा सा फिल्मी, बट ये फिल्मी नहीं है, दिस इज़ माय इनर फीलिंग कि सब लोग खुश रहें, ये जो स्माइल है बनी रहे, और जितनी भी यू नो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सबको सद्बुद्धि मिले और पीस और शांति और खुशहाली बनी रहे, ये मेरी बस उनसे मन्नत नहीं प्रार्थना रहती है, और वो सुनते भी हैं और काफ़ी हद तक वो पूरी हो जाती है। विजय जी आज बप्पा जी विदाई भी ले रहे हैं, आज 5 दिन पूरे हो रहे हैं, तो कितना मतलब आप क्या महसूस कर रही हैं इस बात को लेकर? ये डबल मिक्सचर है, सैड भी हैं खुश भी हैं कि बड़ी कोशिश की कि तरीके से कोई गलती नहीं हो, कुछ त्रुटि ना हो उनकी, जो भी हम सेवा कर पाए उन्होंने हमारी सेवा कबूल करी, और दुख ये है कि 5 दिन ऐसे लगता है कि कोई घर में बड़ा बुज़ुर्ग 24 घंटे आप पे नज़र रखे हुए है, जब वो अपना वक्त निकाल के 5 दिन जब वो जाते हैं तो ये स्थान बड़ा, अभी भी बात करूँगी तो शायद हो सकता है क्योंकि आई एम इमोशनल, सो हो जाता है थोड़ा सा घबराहट, यहाँ पर थोड़ा जी कटता है, तो वो एक सैडनेस, तो मिक्स फीलिंग है कि हम कोशिश में कामयाब रहे, बहुत प्यार से बप्पा की सेवा करी, और दुख भी है कि वो आज जाएंगे पर फिर लौट के आएंगे, कहते ना लॉक कर या, सो हम वेट करते हैं नेक्स्ट ईयर की फिर से तैयार। अरे गणपति बप्पा मोरिया, थैंक यू सो मच जी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। हम जानते हैं आपने कोई मन्नत नहीं मांगी लेकिन बप्पा फिर भी बिना सुने आपकी पूरी मनोकामना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।